हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है NBE की तरफ से, जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, NBE यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस, तो इसके अंतर्गत आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकल कर आई है, जो कि एक ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और ये आपका NBE आता किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस देखना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न वगैरह जानना चाहते हो, तो सारी डिटेल्स मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए अगर बात करें कि व्हाट विल बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका सिंपली 12th पास रहेगा। अगर आपने इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास कर रखा है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, तो आप एलिजिबल रहोगे। अब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, तो इसके साथ एक और चीज़ आता है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास DCA, ADCA या फिर कंप्यूटर का कोई और सर्टिफिकेट है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है ना, तो कंप्यूटर का ऑपरेशन आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर एज लिमिट यानी उम्र की सीमा क्या है, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए चाहे वो किसी भी विभाग में निकलती हो, 18 से 27 वर्ष यानी 18 to 27 ईयर्स रहता है। रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है OBC को फॉर 3 ईयर्स एंड SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 साल का मिलता है। अब अगर बात करेंगे कि फॉर्म की फ़ी क्या रहेगी, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जनरल OBC और EWS से 1500 रुपीज़ यानी 1500 रुपये लिए जाते हैं। किससे? जो जनरल कैंडिडेट है, OBC है या EWS है। और अदर बाकी जो हो गए SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनसे कोई फ़ी यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, तो सिलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सिंपल रहेगी। देखिए, 2-stage सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जाम, मतलब आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो वही चेक करने के लिए कि क्या आपको कंप्यूटर चलाने आता है, टाइपिंग वगैरह कर लेते हो ना, इसके लिए ना आपका स्किल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आगे अब हम चर्चा करेंगे जो आपका एग्ज़ाम का यहाँ पर क्या पैटर्न होगा, स्किल टेस्ट का डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 200 क्वेश्चंस के लिए इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम आपका रहता है 3 आवर्स यानी 3 घंटे की समय अवधि होती है, और निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब सब्जेक्ट वाइज बता दूँ आपको, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी GK GS करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर साइंस सभी को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। थर्ड सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए। लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन विच इज़ फॉर 50 मार्क्स। तो ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए बेसिकली अगर आप SSC वगैरह की तैयारी करते हो, तो सिलेबस लगभग सब सेम ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि जैसे CGL में आपका 25 क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। तो अगर आप CGL वगैरह की तैयारी करें, तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। आगे बात करते हैं स्किल टेस्ट के ऊपर। देखिए इसमें बस 2-stage सिलेक्शन प्रोसेस है, तो एग्ज़ाम पास करिए और स्किल टेस्ट देने जाइए। तो स्किल टेस्ट आपका ना 75 मिनट का होता है, इसमें आपका 100 मार्क्स रहता है,
500 वर्ड्स की आपको टाइपिंग होती है। टाइपिंग आपका इंग्लिश में ही होता है। स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है आपका डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ETC, मतलब आप ये सब कर पाते हो कि नहीं। बार बार बता रही हूँ कि चेक करेगा कि आपको कंप्यूटर चलाने भी आता है कि बस आपने फिल कर दिया है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको पास करना ही करना है। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको 100 out of 40% लाना है, मतलब कम से कम 40 मार्क्स लेके आना है। जो जनरल OBC और EWS है ना, उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया 50% का होता है, मतलब 100 में से आपको 50 नंबर तो लाना ही होगा। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो गया। अब बात करें कि अगर आपका मेरिट जो बनेगा तो किस बेसिस पे बनेगा, क्या सिर्फ एग्जाम के मार्क्स से यहाँ पर काउंट होगा या फिर स्किल टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों चीजों का जो मार्क्स होगा ना उसको कंबाइन करके, मतलब कि स्टेज 1 और 2 यानी 200 नंबर एग्जाम के और 100 नंबर स्किल टेस्ट के, दोनों को ऐड करिए तो 300 मार्क्स हो जाता है। तो ये आपका डिसाइड करेगा आउट ऑफ 300 मार्क्स कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, तब जाके वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये अभी आपको तुरंत पता चल जाएगी। वो कैसे, क्योंकि इसमें देखिए स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलता है ना 42,000 रुपीज पर मंथ की, यानी 42,000 रुपये पर महीने दिए जाते हैं। तो जब शुरुआत में ही आपको 42,000 मिल रहा है तो बाद में बढ़ते बढ़ते और कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब तैयारी करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई हुआ, देखिए लास्ट ईयर आप जाके चेक करोगे इसके वेबसाइट पे, ये वैकेंसी आपकी सितंबर में निकल कर आई थी और इसका जो कंप्लीट प्रोसेस था ना फरवरी तक सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया, एग्जाम भी हो गया, स्किल टेस्ट भी हो गया और मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग भी हो गए। तो सेम उसी तरीके से अभी थोड़ा डिले चल रहा है, बट ये फॉर्म आपका नवंबर के एंड तक तो आ ही जाएगा। तो तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए। अब नवंबर में फॉर्म आएगा ना तो मान के चलिए कि आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक care।